एक छोटी जही गलती एक व्यक्ति दी मौत दी वजह बनी है। दरअसल पानी दा गिलास मंगना व्यक्ति नू उस वेले महंगा पै गया, जदों उस नू पानी दा गिलास नहीं मिलिया ते उसका गुस्सा चढ़ गया ते वो अपनी बेटी समझ के गुआंढियां दी कुड़ी नू थप्पड़ मार बैठा, जिस तों बाद कुड़ी दे परिवार ने व्यक्ति दी जम के कुटमार की, जिस कारण उसकी मौत हो गई, जिस तों बाद हुण मृतक व्यक्ति दे परिवार ने इंसाफ की मांग की है। यह मामला फरीदाबाद तो सामने है, जिथे 40 साल सुनील नामक का एक व्यक्ति किराए दे मकान ते छत ते सो रहा सी, अते उसने नींद दे विच ही अपने कोल बैठी एक कुड़ी तो अपनी बेटी समझ के पानी मंगया ते जदों कोई प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई ता गलतफहमी दे विच उसने अपनी बेटी समझ के कुड़ी नू थप्पड़ मार दिता। जिवें ही सुनील ने कुड़ी नू थप्पड़ मारिया ता उसने वेख्या कि ओह कुड़ी उसकी नहीं है, ओह गवांडियां दी है, जिस तों बाद उसने उस कुड़ी तो माफी भी मंगी, पर कुड़ी रोंदे हुए अपने परिवार दे कोल गई ते अपने नाल हुई हट बीती दसी, जिस दे बाद कुड़ी दे परिवार ने सुनील दी पूरी तरह नाल कुटमार करनी शुरू कर दी। हालांकि सुनील ने माफिया भी मंगिया पर उसनू नहीं छड़िया गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। फिलहाल हुण मृतक व्यक्ति का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा, पुलिस नाल जो गल करनी चाहिए तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने तो मना कर दिता अते कहा कि जो तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आती उन्हां वालों कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अते जिवें ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है उसके हिसाब के नाल परिवार लिखित दे विच दोबारा जो भी शिकायत देगा उस हिसाब नाल अगे की कार्रवाई की जाएगी। मौत नहीं तो वो पानी मांग रहे थे, छत पे सोए हुए थे, सारे किरदार भी सोए हुए थे, उनके वो भी सोए थे, पानी मांग रहे थे बच्चे से, बच्चे पानी नहीं दे रहे थे उनको, और वो छुपा सोए हुए थे, लेडीज सोई हुई थी, अब गलती सोई थे, मेरी भी वाइट कलर की है, सोई हुई है यहाँ पर, जाके थप्पड़ मार दिया, उसनी ने, हाँ थप्पड़ एक मार दिया उनको, तो थप्पड़ मारने के बाद में वो देखा तो मेरी वाइफ है नहीं, लड़की है नहीं, चल गई है यहाँ, उसके बाद सॉरी भी मांगा वो, और उतने पर उनके घर वाले सारे बच्चे मिल गए, बहुत पीटा उनको, छत पर धकेला और मारा उसको, और उसके वो घर वाली ने रूम बड़े गए, रूम पर भी उसको ले जाके दरवाजा खोल के उसको तुरंत मारने के लिए सब गए, वो घर वाली उनको बंद की। मतलब आपके रिश्तेदार में ही लगते जिनके साथ मार पिटाई करी है, क्या है? ना वो नहीं, वो रिश्तेदार नहीं थे, वो भी किरदार थे, किरदार, हाँ किरदार थे। तो मारा किसको है, किसके डर से? सुनील, सुनील, सुनील प्रसाद, वो पूरे परिवार में जो है किराए पे रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल जो है पिटाई करी इतनी कि उनके मौके पर मौत हो गई। क्या नाम है आपका? सक्षम। क्या ये आपके पिताजी लगते थे? लगभग कितनी उम्र होगी आपके पिताजी? 38 से 40 साल। कल रात को क्या हुआ था? तो रात को तो ऐसा हुआ था, वो अपने बेटे से पानी मांग रहे थे मेरी बहन से, तो मेरी बहन थी नीचे, उनको लगा कि साइड में मेरी बहन बैठी है, तो उन्होंने सोचा कि बहन बेटी बैठी है उनकी, उन्होंने ज्यादा थप्पड़ मार दिया, तो कोई और था वो, तो उन्होंने बाद में सॉरी मांग ली, माफी मांग ली उनसे, उनसे परिवार वालों से भी मांग ली माफी, पर वो उनको इसमें संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी, फिर उनको पहले बहुत मारा, फिर सीढ़ी छत से सीढ़ी पे धक्का दिया, फिर सीढ़ी पे जाकर उनको पाइप और लातों से छाती में बहुत ही मारा गया, उन चोट की वजह से उनकी जान। कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की हाथापाई? विकास, अखिलेश और विकास की बीवी पूजा और विकास का बेटा गुंजन। तो आपके साथ दूसरे किराएदार हैं? मतलब उसी किराएदार? कौन से इलाके का मामला है ये? संजय लोनी जीवनगर पार्ट वन का। तो रात को फिर मौके पर ही डेथ हो गई थी? हाँ, उसके आधे एक घंटे बाद ही डेथ हो गई, कम चोट लगी। पुलिस को सूचना दी थी उस टाइम? उस टाइम तो नहीं दी, क्योंकि मेरे पापा ने बताया था थोड़ी बहुत सुनने में, बताया नहीं कि ऐसे ऐसे लगी उनको, तो फिर बाद में अचानक मैं देखा कि डेथ हुई। ऐसा क्या हुआ था कि आपके पापा ने जो है उस लड़की को थप्पड़ मार दिया? उन्होंने मतलब अपनी बेटी पानी मारी थी तब से अपनी बेटी से, तो उनको आगे गुस्से की दिन मिली, और फिर मेरी बहन थी नीचे, जिन्होंने उसी गुस्से में जाकर किसी और एक थप्पड़ मार दिया, उसी बात पर सॉरी मांग ली, चलो सॉरी मांग ली, माफ कर देते, एक दो थप्पड़ वो मारे थे, ऐसे कोई बात थी पूरी जान जान से नहीं है। हाँ, तो अभी पुलिस में लिखित में सूचना? हाँ, अभी उनमें दो जने के नाम आए हैं और दो के नहीं लिखे हैं, हम चाहते हैं उन दो के भी लिखे और कड़ी से कड़ी साथ लिखित में दे दी।